इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम भी उम्मीद यही जताते हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना की त्रासदी से हम निकलें बाहर, हम विजय पाएं, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, जो फैसला किया गया है, एक बार फिर से आप दर्शकों को समझाएं क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, जिससे कि लोग घबरा कर राशन की दुकान के आगे भीड़ ना लगा दें, पैनिक क्रिएट ना हो जाए। देखिए, जो पिछला अनुभव रहा है उससे सरकार डर रही थी। इस मीटिंग में यही चर्चा हुआ कि दो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जैसे ही एक सप्ताह की कर्फ्यू की बात की जाएगी, लोगों में इस तरह का मैसेज जाएगा कि सब बंद हो रहा है, तो ये मैसेज ना जाए, इसकी कोशिश सरकार के द्वारा की जाए, और साथ में जो प्रवासी मजदूर हैं उनमें किसी भी तरह की घबराहट ना हो, वो छोड़ के ना जाने लगे, नहीं तो सबसे बड़ी समस्या होगी। जिस संक्रमण को रोकने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं वो सब धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए खुद देखा कि आपने अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि वो लोग छोड़ के ना जाएं, वो लोग रुके यहाँ पे। तो सबसे बड़ी चिंता सरकार के सामने अब ये है कि जो प्रवासी मजदूर है उनको खाने पीने में कोई समस्या ना हो, तो उसकी उसका इंतजाम होगा। बहुत सारे एनजीओ, जो कि मैं बता दूं कि पहले से ही इस तैयारी में जुट गए थे, इस्कॉन टेम्पल का ग्रुप था, वहां पे बहुत बड़ा किचन जो है वो परसों से ही शुरू हो गया था, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे तमाम लोगों को खाना मुहैया किया जाए। इसके साथ साथ अब ये कोशिश है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं वो सबके लिए उपलब्ध है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। भास्कर, बिल्कुल, बार बार मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि परेशान ना हो, पैनिक ना हो, खासतौर पर प्रवासी मजदूर जो पैनिक मोड में फिर अपने अपने राज्य की ओर पलायन करने लगते हैं, उससे संक्रमण बढ़ेगा ही। मकसद है ब्रेक द चेन, कोरोना को यहीं पर थामना है, इस ग्राफ को यहीं पर रोकना है, लेकिन क्या ये एक हफ्ते का वक्त काफी होगा? ये लोगों को डराने के लिए, भ्रम में रखने के लिए सवाल नहीं पूछा जा रहा है भास्कर, लेकिन जिस से कहा जाता है कि वायरस को मरने में मिनिमम 14 दिन का वक्त लगता है, क्या लगता है आपको कि ये एक्सटेंड होकर 6 से अगले हफ्ते तक के लिए भी बढ़ेगा, या 6 दिन का ही रहेगा कर्फ्यू फिलहाल, लॉकडाउन? आप इसको इस हिसाब से देखिए कि 8 दिन का कर्फ्यू हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है कोविड को लेकर, वो अगर आप देखें तो जो हॉस्पिटल में एडमिट है पेशेंट, उसमें भी ये कहा जाता है कि 5 दिन तक, अगर 4-5 दिन तक अगर आपके पास कोई लक्षण नहीं है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है, 10 दिन बाद उनको छुट्टी दे दी जाती है। तो अगर 8 दिन भी अगर कंप्लीट लॉकडाउन रहा या लोगों की भीड़ कम रही, संक्रमण का चेन तोड़ दिया गया या कम किया गया, तो उसका असर जरूर होगा। लेकिन जिस स्थिति में राजधानी दिल्ली है वहां सिर्फ 7 दिन के लिए या 1 सप्ताह का लॉकडाउन काफी नहीं है। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कम से कम 14 दिन का या 15 दिन का लॉकडाउन या कर्फ्यू होना चाहिए, नाम बेशक कुछ भी आप दे दें इसको, लेकिन 15 दिन बहुत जरूरी है जिस हालत में राजधानी दिल्ली है। दो वजह है, एक तो संक्रमण की दर जो है उसको कम किया जा सकता है, इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं आपके पास में उसको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। हालत ये है कि एक हॉस्पिटल आप खोलिए 400-500 बेड का, और 4-5 घंटे में वो फुल हो जा रहा है, और उसके बाद लोग परेशान घूमते हैं। ऐसे में कितना भी आप इंतजाम कर लीजिए वो नाकाफी होगा। उनको स्पेस देने के लिए, उनको ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए जरूरी है कि लोगों के मूवमेंट को रोका जाए, और कम से कम इसके लिए 14 से 15 दिन का समय जो है वो कर्फ्यू के लिए लगाया जाए। बिल्कुल भास्कर, आप आगे भी अपना ये जवाब पूरा करिएगा, क्योंकि अब दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कब से लेकर कब तक के लिए लॉकडाउन लगेगा। तो आप ये देखिए, आज रात 10 बजे से लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी, और फिर 26 अप्रैल को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट रहेगी, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, वैक्सीन लेने जाने वाले जा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर की जो सलाह मशवरा करना चाह रहे हैं, या वो पेशेंट्स जो इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, जिसमें अगर हम बात करें डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उन्हें इंसुलिन लगवाने या फिर अलग अलग कारणों की वजह से अस्पतालों की तरफ दौड़ना पड़ता है, तो इन मामलों में तो छूट रहेगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप बाज़ारों में जाएंगे तो बाज़ार बंद रहेंगे। गौनिका, आप बताएं, दर्शकों को समझाएं क्या नहीं करना है और क्या चीज़ की इजाज़त है इस पूरे हफ्ते के लॉकडाउन में। देखिए, लोगों को अगर कहें तो लोगों, पिछले साल भी जिस तरीके का लॉकडाउन था वैसा ही कर्फ्यू इस बार भी है। हालांकि जो जो चीज़ें इसमें अलाउड होंगी उसमें, अगर ग्रॉसरी की बात करें, ग्रॉसरी शॉप्स, इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं जो कि डिलीवरी कर रहे हैं वो रेस्टोरेंट्स भी खुले रहेंगे, खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। लेकिन आप घर से बाहर उन चीज़ों को लेने के लिए नहीं निकल सकते, आप होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं, राशन की दुकानों पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन एक जो है ज़्यादा भीड़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। बेवजह आप घर
से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर किसी को अस्पताल जाना है, कोरोना का टेस्ट करवाना है या फिर किसी और तरीके की मेडिकल सुविधा उन्हें करवानी है तो उसके लिए वो अपना वैलिड आईडी कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो और बस सर्विसेज, ये तमाम सर्विसेज जो है वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी। ऑटो, टैक्सी, ये सारी चीजें चलेंगी, लेकिन उसमें सवारियों की जो गिनती है वो लिमिटेड रहेगी। और तमाम चीजें जिस तरह की, देखिए पिछली बार जो लॉकडाउन था उसमें देखा गया था कि रेलवे तक बंद हो गया था, ऐसी कोई सिचुएशन इस बार बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे चल रहा है, इसके अलावा इंटरस्टेट जो ट्रांसपोर्ट है वो सब चल रहा है, लेकिन मजदूरों से ये खासतौर पर कहा गया है अरविंद केजरीवाल। माफ करिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर एक बार फिर से हम देख रहे हैं। ये वही तस्वीर है जो आपने साल 2020 के दौरान लॉकडाउन के समय देखी थी। आप गोल मार्केट की ये तस्वीर देखिए, लोग क्या कर रहे हैं, वाइन बियर शॉप के आगे कतार में लग गए हैं। और ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये एक हफ्ता राशन से ज्यादा। और यही सवाल मेरे जहन में अभी आ भी रहा था क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन का ऐलान होते ही सबसे पहले जो लंबी कतारें लगी थी वो या तो राशन स्टॉक करने के लिए या तो फिर शराब की दुकानों के बाहर, आप वाइन शॉप्स के बाहर ये भीड़ देख पाते। और देखिए एक बार फिर हैरान करने वाली ये तस्वीर, इन लोगों को क्या कहा जाए कि लॉकडाउन का ऐलान नहीं हुआ लेकिन वाइन एंड बियर शॉप्स के बाहर जो लाइन है वो लंबी होने लगी है। और पिछले साल भी जरा सी ढील क्या मिली, लोगों ने इसी तरह लंबी लंबी लाइनें लगाई, अलग अलग रीजंस बहाने मारे कि क्यों उन्हें शराब स्टॉक करनी है। तो गोनिका ये इन तस्वीरों का डर था, मुख्यमंत्री ने अभी यही अपील की कि पैनिक मत करिए, लाइन मत लगाइए, जिस चेन को तोड़ना है लोग समझने से बाज नहीं आ रहे इस बात को। और अब देखिए चंद मिनट के ऐलान के बाद शराब की दुकानों के बाहर, वाइन एंड बियर शॉप्स के बाहर लंबी लाइनें नजर आना शुरू हो गई हैं। देखिए बिल्कुल यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि एक बार जब लॉकडाउन लग चुका है, पिछले साल लोगों ने स्थिति देखी है कि लॉकडाउन के बाद ही जो केसेस हैं उन पर तुरंत कंट्रोल पाया गया था। और अभी भी इसी वजह से, क्योंकि दिल्ली में 25,000 से ज़्यादा मामले सामने आ गए हैं, जो संक्रमित का रेट है वो तकरीबन 30% तक पहुँच गया, ऐसे में लोग फिर भी नहीं संभल रहे हैं। ऐसे में सरकार या मेडिकल फैसिलिटीज़ आखिर क्या करेंगे जब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो ये आपके लगाया जा रहा है ताकि आप घरों में रहें। और कोई भी खाने पीने की दुकान बंद नहीं है, लोगों को फूड जो ग्रोसरी है वो सभी चीजें मिलेंगी, उसके बावजूद लोगों में पैनिक की सिचुएशन आखिर फिर से क्यों पैदा हो जाती है। मुख्यमंत्री खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये आश्वासन देकर गए हैं कि लोगों को डर है कि खाने की दुकानें बंद नहीं होगी लेकिन पीने की दुकानें बंद हो सकती हैं, इसलिए शायद शराब की दुकान के बाहर कतार लगा ली गई है। माफ कीजिए मुझे हंसी आ रही है ये तस्वीर देखकर, लेकिन इन तस्वीरों पर हंसे नहीं तो क्या करें। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, ये तस्वीर हम देख रहे हैं और हम बार बार दर्शकों को ये समझा रहे हैं, शादी ब्याह को लेकर क्या गाइडलाइंस दी गई हैं सरकार की ओर से, थोड़ा इससे भी बताएं क्योंकि बहुत ये जिसे कहते हैं सावे हैं, ये शादियों का सीजन है, कई लोगों की शादी पहले से ही तारीखें तय हैं, वो क्या कर सकते हैं। देखिए सरकार के द्वारा ये पहले ही क्लियर कर दिया गया, इस मीटिंग में जब बातचीत हो रही थी एलजी के साथ तभी ये क्लियर किया गया कि जो वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जो नियम बनाए गए थे, एसओपीज बनाए गए थे, वही आगे कंटिन्यू करेगा। और उसमें ये कहा गया था कि शादी जिनके घर में है, डेट और वेन्यू दोनों तय है, उनके लिए ये होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा ई पास जारी किया जाएगा और उस ई पास के जरिए वो लोग शादी अटेंड कर सकते हैं, शादी में जा सकते हैं, अपने परिवार में वो शादी कर सकते हैं। तो वो अभी भी जारी है इस एक सप्ताह के लिए भी, लेकिन हाँ उसमें भी ये जरूरी है कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि कितने लोगों की अनुमति है उतने ही लोग वहां पे जाएं, शादी ब्याह के लिए ये हो गया। वही दूसरी तरफ अगर कोई दिल्ली छोड़ के बाहर जाना चाहता है तो आराम से जा सकते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, उनके पास टिकट होनी चाहिए। टैक्सी सर्विसेज, मेट्रो सर्विसेज या ऑटो, ये उन लोगों के लिए है जिनको इमरजेंसी सर्विसेज के तहत छूट दी गई है। जब इमरजेंसी सर्विसेज की बात कर रहे हैं भास्कर, एसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी, 6 दिन का ये लॉकडाउन है यानी कि एक हफ्ते का बस लोगों को इंतजार करना है, घर में रहना है, महीनों उन्होंने लगभग पिछला पूरा साल घर में बिताया, अब जब 6 दिन के लिए सरकार अपील कर रही है तो ये तस्वीरें भी आप देखिए कि लोग कैसे पैनिक कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जैसा मीनाक्षी खुद बता रही थी कि इन तस्वीरों पे इंसान सर पीटे या फिर हंसे ये समझ नहीं आता है, क्योंकि लोगों को सरकार भी समझा समझा कर थक गई है, ये एक जागरूकता वाली बात भी होती है।
लेकिन लोग, ये गोल मार्केट की तस्वीर है दिल्ली के पास एक शराब की दुकान की, जहां वाइन शॉप के बाहर आप भीड़ देखिए कि किस तरह से लंबी लाइन लोगों की लगने लगी कि अगले 6 दिन में उन्हें शराब मिल पाएगा या नहीं, उनकी वाइन सप्लाई हो पाएगी या नहीं। बहरहाल भास्कर, एक सवाल ये भी उठता है, आए या ना आए, मुझे तो फिल्म का ज्योति गाना याद आ रहा है, हमका पीनी है हमका पीनी है, और इसलिए आप देख लीजिए कि कतारें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अगली तस्वीर में देखिए कतार बढ़ गई है। बिल्कुल, और ये कतार जो है, ये तस्वीरें मीनाक्षी, मुझसे ज्यादा और कौन ही रिलेट कर पाएगा, क्योंकि पिछले साल लगभग कई ऐसी जगहों पर मैंने खुद जाकर देखा था कि किस तरह से दिल्ली के लोगों में ये दीवानगी है। ये मयूर विहार की तस्वीर आप गोल बाजार के बाद देखिए कि किस तरह से वाइन शॉप के बाहर हुजूम लोगों का उमड़ पड़ा है, और ये तस्वीर अभी की नहीं, रात 10 बजे तक देखने को मिल जाएंगी, जब तक कर्फ्यू का ऐलान ना हो जाए। और यही मेरा सवाल भी था कि ऐलान से पहले क्या पुलिस मुस्तैद है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, सिविल डिफेंस के लोगों को तैनात कर दिया गया है जो ये मेक श्योर करे कि किसी भी दुकान पर लोग स्टॉकिंग के लिए ना पहुंचे। और ये मयूर विहार के पास एक वाइन शॉप की तस्वीर आप देखिए, और अब ये तस्वीरें आपको लगभग दिल्ली के हर गली नुक्कड़ से वाइन शॉप के पास दिखना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोग पहले पैनिक करते हैं, जो आप खुद बता रही थी मीनाक्षी, राशन हो ना हो, खाने के लिए हो ना हो, पीने का स्टॉक होने चाहिए। गोनिका हमारे साथ लगातार मौजूद है। गोनिका, वाइन शॉप्स के बाहर ये जो भीड़ है ये हैरान कर देने वाली है, इसके बावजूद हैरानी नहीं हो रही क्योंकि कोई नई तस्वीरें नहीं है, और दिल्ली के लोगों से अपील की जा रही है कि चेन तोड़िए, अपना समर्थन दीजिए, लेकिन लोग जरा भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। एक सवाल ये उठ रहा है कि जब एसेंशियल सर्विसेज चालू रखने की बात की जाती है, केजरीवाल जी ने कई बार जिक्र किया है कि शराब की दुकानें से जो मिलता है रेवेन्यू वो जरूरी है, तो क्या इन 7 दिनों में, इन 6 दिनों में वाइन शॉप्स बंद रहेंगे या वो खुले रहेंगे? देखिए, फिलहाल वाइन शॉप ओपन रखने का ऐसा कोई भी नियम जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। जो डिटेल्ड ऑर्डर भी सामने आया है उसमें वाइन शॉप का जिक्र नहीं है। ऐसे में अब यही माना जाएगा कि वाइन शॉप्स ही अगले एक हफ्ते तक फिलहाल बंद रहेंगे। हालांकि अगर कोई कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा स्पेशल ऑर्डर आता है वो फिलहाल आगे देखने की बात होगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। जिस तरीके से देखा गया था, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी वाइन शॉप्स बंद थी, अब अभी जो अगला एक हफ्ता है इस दौरान भी वाइन शॉप्स बंद रहेंगे, और लोग अब जो कि लाइन वहाँ पर लगा रहे हैं वाइन शॉप्स के बाहर, उन्हें अब ये समझना है वो सोशल डिस्टेंसिंग का ना तो वहाँ पालन कर रहे हैं, और वो अपने घर वाइन तो लेकर जा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ वो कोरोना भी लेकर जा रहे हैं। ये लोगों को अब समझना है कि आप एक हफ्ता आपको इसलिए घर में रखने के लिए, बैठने के लिए कहा गया है ताकि कोरोना का संक्रमण ना आप तक पहुंचे ना आप किसी तक फैलाएं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अब तस्वीरें सामने आ रही है, बेहद ही हैरान करने वाली और शर्मनाक तस्वीरें। यही तो हम बार बार दर्शकों को समझा रहे हैं, गोनिका आप समझा रही हैं, भास्कर समझा रहे हैं, हम लोग मिलकर लगातार यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये सब कुछ कंप्लीटली बंद होने वाला है, केवल 6 दिन का ये लॉकडाउन है, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ये संभावना जता रहे हैं कि ये लॉकडाउन और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हम लगातार डिटेल आपको देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे इसी बड़ी खबर पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।